हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई आज हम सुबह सुबह उठ के तैयार हो गए हैं ना। मैं कितना बजे उठ गया था अम्मी? वैसे तो उठते यार देखो 6:30 बजे गया था, है ना, क्योंकि दोस्तों ने फोन करके उठा लेते कि उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन फिर ना मैं ढंग से सो नहीं पाया रात को, इसलिए थोड़ी देर ऐसी छोटी छोटी नींद छोटी छोटी झपकी लेते रहा है। तो अब बज गया भाई 9 बज गया है। अब फटाफट से हम ये पीते हैं अपना क्या बनाए, जीरा और नींबू का पानी, है ना, जीरा और नींबू का पानी पीते क्योंकि ये भाई हेल्दी भी होता है और इससे ना थोड़ा बहुत जो आपके मोटापे पे फर्क भी पड़ता है भाई। अगर आप लोगों ने सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे ना, पी लो इसको भाई, इतना कौड़ा क्योंकि जीरा ऐसे डायरेक्ट अगर कभी भी खाओ ना तो भी इतना कौड़ा लगता है। ओहो, नींबू तो वैसे हम खा ही जाते हैं भाई, नींबू तो ऐसे ही खाए थे, नींबू को मजा आता है नींबू खाने के लिए। जीरा भाई, जीरे ने सारा टेस्ट खराब कर दिया पानी का भाई। अम्मी बापा भाई लेट इतनी हो गए ना, टीचरों ने गाले कम देने, दोस्तों से ज्यादा देने जिन्होंने मेरे को उठाया है। हाँ जी निकल तो मैं चुका हूँ, है ना, बस यार रास्ते में जाम ना मिले क्योंकि आज मैं गाड़ी में जा रहा हूँ ना, तो शायद लेट हो जाऊँ, शायद क्या वैसे लेट तो हो ही गया, बट अगर जाम मिल गया ना तो मैं और ज्यादा लेट हो जाऊंगा। आज मैं ना गाड़ी पे कॉलेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार देखो हमने गाड़ी में कराया है काम, है ना, तो अभी हमें इतना टाइम मिला नहीं कि हम गाड़ी थोड़ी ज्यादा चला के उसके अंदर जो कमियां हैं जो पेशियां हैं वो हमें पता लग जाए, है ना। तो इसलिए मैं कॉलेज लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरे को इसका पेट्रोल की टंकी का जो लेवल है वो कम करना है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम फरीदाबाद गए थे, है ना, तो हमने इसका फ्यूल पंप ठीक कराना था, फ्यूल पंप इसका ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो निकल ही नहीं पाया क्योंकि हमारी जो टंकी थी ना पेट्रोल की वो फुल थी, तो इसलिए वो टंकी थोड़ी खाली करनी है ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ अपना फरीदाबाद तो इसके फ्यूल पंप का भी काम हो जाए। दूसरी चीज़ मेरे को अभी लग रहा है कि इसके स्पीकर का भी काम ज़्यादा कराना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 स्पीकर चेंज कराए हैं, तो हमें जो लग रहा है जो कंपनी फिटेड ट्विटर्स है ना वो भी चेंज कराने पड़ेंगे क्योंकि आवाज़ फट रही है। आवाज़ जो आनी चाहिए ना, अच्छा आउटपुट आना चाहिए, वो आउटपुट नहीं आ रहा। भाई कॉलेज तो मैं पहुंच गया, टाइम 10:30 हो गया और मैंने ना कोमल को पंद्रह मिनट पहले ही मैसेज कर दिया था कि मैं ना कॉलेज के बाहर पहुंच गया, तू बाहर आ जा, ये 15 मिनट से बाहर ही खड़ी हुई है। अभी गालियां पड़ेंगी मस्त। हेलो, आपकी सिटी ठीक है आज? वो ओ भाई इतनी बढ़िया स्टोरी है ना हमारी सिरी की, हमारी सिरी इतनी मस्त है। तेरी फोन आया? मेरा फोन सुबह? हाँ वो भी ऐसी मुझे लग रहा था। भाई साहब मेरे घर में ना एक चीज है, एसी चलाते रहे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे घर में ना एक चीज है जिसको इससे मेरे से ज्यादा प्यार है, है ना, वो कैसे मतलब ऐसे मैं सोचना कि कुछ है भाई, लोग बड़ा सोचते हैं ना, जो सिरी है ना मैं भाई सिरी को कहता हूँ कि हे सिरी कॉल कमल, कमल की जगह भाई हमेशा इसको फोन मिला देती है। और एक दिन तो ऐसे मैंने फोन मिलाया, पापा कह रहे हाँ गगन कोमल को बोल दे कि पानी की टंकी बंद कर दे। भाई सिरी को जितनी बार मैं बोलूं कॉल कमल हमेशा इसको फोन मिला देगी। और तेरी कॉल आएगी मैं सोचूंगी गलती से, हाँ फिर मैं कॉल बैक ही नहीं करूंगा, ये कॉल बैक ही नहीं करेगी इस चक्कर में। भाई साहब बताओ अगर कभी मैंने खुद फोन कर दिया, काम से फोन कर दिया मैंने अगर कि भाई हाँ चल ठीक है कुछ काम है तो फोन कर दो, ये तो सोचेगी कि यार सिरी ने फोन करा, इसने तो करा नहीं है, मैंने करा यार मेरी बात सुन लो, है ना, क्लास में जाना है ना, अब चुपचाप बैठ जाओ क्लास में, पढ़ाई लिखाई कर लो, आईएएस वाईएएस बन लो। घर जा रही हूँ मैं बाय में। तो अब 11 बजे तो ब्रेक ही हो गया आधे घंटे। अच्छा ब्रेक है आधे घंटे का, क्या टाइम पे पहुंचा मैं, चलो खाना खाते हैं यार। मैं खाना ही नहीं खाया मैं सुबह का, मेरा मतलब 20 मिनट बाद ब्रेक है, 11 से 11:20 की ब्रेक है। अच्छा उसके बाद क्लासेज है, मैं तो चली जाऊंगी। तो कोई नहीं, ब्रेक के बाद थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छा है। ये बात तो मुझे समझा रहे हैं ये देखो मैं दूसरों को भी कह रहा हूँ, खुद के दिमाग को भी कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो कुछ बन जाओगे। भाई अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने क्योंकि देखो कॉलेज हम पहुंचे हैं, है ना, और कॉलेज पहुंचते जो है कॉलेज में ब्रेक होगी, अब क्लास जो है 11:30 बजे है। ये ऐसी पागल हंसती रहती है, 11:20 पे क्लास और 10:43 हो रहे हैं ना, तो अभी ब्रेक है तो हम जा रहे कुछ खाने की, मैं घर से ना कुछ खा के नहीं निकला, और अगर भाई पेट में कुछ होगा नहीं, अगर तुम्हारा टेड परा नहीं होगा, है ना, सॉरी टेड यहाँ होता है, टेड परा नहीं होगा तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे यार, एनर्जी नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं होगी ना। तूने पढ़ना भी है कॉलेज जाके? भाई बहुत अच्छा पढ़ाती है हमारी टीचर ने, चीटिंग करना यार हमारा जन्म से अधिकार है ना, क्योंकि चीटिंग नहीं करोगे तो ऐसे फिर पता नहीं लगता कि हाँ बच्चे हैं यार, पढ़ाकू बच्चे हैं। तू और पढ़ाकू? भाई बहुत पढ़ाकू हूँ मैं, मैं 10 तक मानेगी, मैं 10 तक उसके बाद टॉप मारता था, सेकंड ईयर में आ गए 4 साल, उसके बाद गलती से गर्लफ्रेंड बन गई ना मेरी, तो उसके उसके बाद नंबर गए मेरे सारे।
6:30 बजे मैंने तो कॉल करी थी उठाने के लिए। मैं उठाया था उसके बाद नाश्ता करने का ब्रेकफास्ट का टाइम था तेरे पास। उसके बाद मैं सोया था लग रहा था तभी तूने बोला ना मैं 8 बजे निकल रहा हूँ 9 बजे निकलूंगा। अरे यार रस्ते में ना जाम बहुत मिला मेरे को, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा जाम था। मैं घर से 6:30 बजे निकल गया था। 6:30 बजे तो उठा है वो भी एक कॉल पे नहीं उठा दूसरे कॉल पे नहीं। अच्छा दूसरे कॉल पे उठो नींद में पता नहीं लगता यार कि कौन सा नंबर पे कॉल है। 2 घंटे पहले सोया था ना 4:30 सोया था। देखो उसने को बता मेरे को हाँ स्नैप पे लोकेशन चेक करी थी मैंने। तू लोकेशन चेक करने से क्या ये बदल गया कि तू सोया ही 4:30 छूट भी गया उसको बोल रहा। यार देखो कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं, देखो कॉलेज जाने के लिए कितनी जल्दी उठता हूँ मैं। भैया मैंने चीखे मारी भैया ने सुनी नहीं है ना, लड़की चीख मार रही है पहले सुन लेते हैं बताओ। हाँ जी मैडम बोलो। टैलेंटेड नहीं होते हर की होते हैं भाई लड़के। भाई चाप है चाप नहीं मिलेगा ले ले चाप। भाई गर्मी बड़ी ज्यादा है यार क्या खाना है। देख जो मैं खाता हूँ वो तू खाएगी नहीं है ना भाई, ये है प्योर वेज तो इसलिए चिकन मंगा नहीं सकते। लेट्स गो फॉर बंद कर दे पहले डिसाइड कर ले। सॉरी क्लास लेनी है। हाँ हमारी आप चिली ब्रेड कर दो हमारी क्लास है फटाफट करा दो यार। भाई हम आ गए हैं हॉटस्पॉट कुछ खाने क्योंकि देखो बाकी जगह तो अभी सारी बंद है ना क्योंकि 11 बजे तक खुलती नहीं है 12 बजे तक खुलती है सारी जगह कैफे वगैरह। कैफे भी जाके मजा नहीं आता खर्चा हो जाता सारा स्वाद होता नहीं है है ना, तो इसलिए हम यही आ गए। मतलब स्ट्रीट फूड खाना स्ट्रीट फूड का नज़ारा ही अलग है यार है ना। आपके नहीं है मैंने चिकन नहीं खाना। मैं वेज में सब खाती हूँ। हाँ तो मैं चिकन में सब खाता हूँ नॉन वेज में। भैया आपको ना मैं सीरी का लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मेरी सीरी कैसे धोखा करती है मेरे साथ है ना, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट्स लगाए होते हैं तो इसलिए मैं मोस्टली सीरी को बोलता हूँ हे सीरी सुन ले मैडम, हे सीरी कॉल कमल। विच वन कोमल या कमल, कभी कभार तो पूछती नहीं भाई सीधा फोन मिला देती है। मतलब धोखा होता है यार मैं बाइक चला रहा हूँ है ना बाइक चलाते चलाते एयरपोर्ट्स लगा रखे मैं बोलते हो कॉल कमल, मैं देखो यार कमल के फोन से लड़की कौन बोल रही है ये कमल कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है अपनी है, फिर बाद में पता चलता है यार इसका फोन है। मेरे पास लाइव एग्जाम में पर मिस्ड कॉल है देखो और किसी को ना इस बंदे के नंबर लीक हो जाएगा। नंबर ऐसे थोड़ी दिखेगा नाम ऐसे ना नंबर लीक हो जाएगा। भाई बताओ अब हम कॉलेज आए हैं है ना, हम जिस टाइम पे पहुंचे भाई दो मतलब कम से कम 3 लेक्चर देने के बाद हाँ दिख रही है यार। 3 लेक्चर देना अभी हमारे बाद हमारे ब्रेक के बाद नहीं 5 लेक्चर होते ना तो पहले हो गए 3 लगते हैं ब्रेक के बाद 3 लेक्चर थे ब्रेक के बाद है ना। तो भाई हम झूठ बोलने दे मम्मी मारेगी मेरे को है ना भाई। चलो 3 लेक्चर लगते हैं हमारे ब्रेक के बाद है ना, तो हम जैसे कॉलेज पहुँचे तो भाई क्लास में कोई है ही नहीं और पता चला है कि आज सिर्फ एक ही क्लास थी ब्रेक के बाद, उसके बाद कोई क्लास ही नहीं है। मस्त मैम के साथ भाई साहब इतने गप्पे लड़ाए ना मैंने मजा आ गया। हाँ जी कॉलेज से तो मैं निकल चुका हूँ है ना, जिस चीज़ के लिए कॉलेज आया था वो तो हुआ नहीं है। चलो पढ़ाई तो आज हो नहीं पाई क्योंकि एक तो मैं पहले ही लेट पहुँचा था, दूसरा जब हम पहुँचे तो हमारी सिर्फ एक ही क्लास बची थी, बाकी जो दो क्लास थी वो हो गई थी कैंसिल है ना, दो थी पता नहीं तीन थी जो भी थी वो कैंसिल हो गई थी है ना, और बच्चे कोई क्लास में था ही नहीं, मैं कल्ला बैठा था क्लास में मस्त मैम से गप्पे लड़ा रहा था है ना। तो अब भाई साहब टाइम हो गया है 12:56 मतलब 12:55 12:55 हो गया है ना, तो अब हमने जाना है पटेल नगर। मतलब सिर्फ मैं ही आ रहा हूँ क्योंकि पहले पापा और करण का भी प्लान था, वो अभी आते हैं कि नहीं आते वो कन्फर्म नहीं, क्योंकि पटेल नगर जाकर मैं एक बार अपने जो हमने कपड़े दिए थे अभी सिलने के लिए वो चेक करने हैं, अगर मेरी फिटिंग सही आ गई तो फिर शायद पापा और करण नहीं आएंगे, अगर नहीं आई तो उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको भी फिटिंग अपनी दिखानी पड़ेगी कि फिटिंग उनको सही आ रही नहीं आ रही, तो उस हिसाब से फिर कपड़े लेके जाएंगे। अगर आपको आज वीडियो में पीछे एसी की आवाज आ रही है तो प्लीज माफ करना क्योंकि भाई आज इतनी ज्यादा गर्मी है एसी फुल पे चल रहा है और जब से गाड़ी में बैठा ना भाई तब से चल रहा है, अभी तक इतना गर्म है अंदर ठंडा ही नहीं हुआ अंदर,
ये तो जहाँ से कपड़े लेने थे वहाँ पे तो मैं पहुंच गया। बंदे जाके पहले कपड़े चेक करते कि हमें फिट आते कि नहीं आते। हाँ जी, तो कपड़े मैंने देख लिए भाई साहब, इतने प्यारे कपड़े ने, इतनी प्यारी फिटिंग आई। ऊपर से जो कपड़ों का कलर है, पहनने के बाद भाई साहब ऐसे लगता है कि हाँ यार ये कपड़े पहन के ना हम अच्छे लगेंगे, है ना। अगर आपने वो कपड़े देखने तो वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा। और अगर आपने पहले देखने तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाम मेरे इंस्टाग्राम का, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जाके फटाफट से फॉलो कर दें। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना ब्लॉग में बोला नहीं मैंने कि यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि ना मेरे लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं बट इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। इसलिए जाके ना भाई साहब 1K होने वाले, फटाफट से 1K पूरे कर दो। और अगर आपने भाई साहब ऐसे कपड़े लेने हैं, ऐसे मतलब कि कोट पैंट लेने हैं, इंडो वेस्टर्न वगैरह कोई भी लेने हैं, तो भाई साहब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दुकान का नाम, दुकान का नंबर और उनकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। हाँ जी, घर के पास तो मैं पहुंच गया हूँ ना। आप सबसे पहले जाके सिम ले लेते हैं, क्योंकि रात को तो मैं था, उन्होंने मना कर दिया कि अभी सिम आपको मिलेगी, तो एक बार दिन में आके पता कर लेना, तो अभी जाके सिम ले लेते, नहीं तो फिर बाद में ना दिमाग से निकल जाएगा और भूल जाऊंगा कि सिम लेनी है भाई। हाँ जी, तो सिम का काम तो मेरा हो गया यार। पहले जो सिस्टम था ना कि FIR वगैरह दिखाओ, FIR का प्रिंट आउट दो, तब जाके आपकी जो सिम है वो रीशू होगी, बट अब वो सिस्टम खत्म ही हो गया। जाओ बस वो अपना नंबर बताओ, थंबप्रिंट लगाओ, KYC कराओ, बस पकड़ो सिम और जाओ ना। पहले बड़े होता था कि यार दिखाना पड़ता था कि अगर प्रिंट आउट नहीं है तो प्रिंट आउट लेके आओ, ये कराओ वो कराओ, अब आराम से हो जाता काम। हाँ जी, तो घर आके नहा धोकर तैयार तो हम हो गए ना, क्योंकि बाहर जाओ ना यार गर्मी इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलती ही तुम भीग जाओगे पसीने से, है ना। तो इसलिए यार नहाना बहुत जरूरी होता है। तो बाकी आज के इस लोगों को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगे, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय, लव यू।